हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नव भारती फैमिली चैप्टर सेकंड चिल्ड्रन एट वर्क इसका जो पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकंड है वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिया था अब हम पढ़ेंगे इसका पार्ट थर्ड विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो ऑफ दिस चैप्टर ठीक है इस चैप्टर uh, में क्या होता है एक लड़का होता है वेलू जो अपने घर से भाग जाता है बिकॉज ऑफ द फ्रस्ट्रेशन ऑफ़ हिज फादर क्योंकि उसके पापा उसको बहुत ज़्यादा मारते हैं और वो जो भी अर्निंग होती है उसकी वो उसे छीन लेते हैं उसे ड्रिंक करते हैं तो इस चीज़ से परेशान होकर वहलू अपने घर से भाग जाता है चेन्नई के लिए वो निकल जाता है ठीक है और उसके पास कुछ भी ना उसके पास एक रुपया होता है ना उसके पास कोई पैसे होते हैं उसने कुछ खाया भी नहीं होता है फिर वहाँ पे वो बहुत पैनिक हो जाता है वो बैठ जाता है उसको समझ भी नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना है उसके पास कोई आइडिया नहीं होता फिर वहाँ पे उसको एक लड़की मिलती है जया नाम की वो एक रैक पिकर है रैक पिकर मतलब जो कचरा उठाने वाले लोग नहीं होते कच्ची बस्ती से जो बिलोंग करता है वो है वो उस वेलू की हेल्प करती है खाना खिलाने में उसके लिए खाना ढूंढती है और उसको समझाती है कि कैसे चीज़ों को फेस करना है बहुत हेल्प करती है उसकी ठीक है तो पार्ट थर्ड में अब हम पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है जब वेलू ने कूड़े से खाना खाया और वो इधर उधर ये लोग भटक रहे हैं ये लोग कहीं जा रहे हैं हम देखते हैं कि आगे क्या होता है देर इज रॉ ऑफ हर्ट्स पैडल्स पैडल्स मतलब जो बारिश से जमीन में पानी बारिश के पानी से जो गड्ढे हो जाते हैं ना सड़कों पे उनको हम पेडल्स बोलते हैं और वी कैन से पूल्स मतलब small pool of रेन वाटर बारिश से जो गड्ढे जाते हैं उनको हम बोलते हैं पैडल्स ठीक है एक ही लेन में बहुत सारी झोपड़ियां हैं और बहुत सारे गंदे गंदे पैडल्स हैं आउट साइड वन ऑफ द हर्ट है डॉम्स हर्ट से एक झोपड़ी के बाहर जो है अपनी जो बोरी होती है सेक होती है उसको एक ढेर में पटक देती है डॉम्प मतलब ढेर रब चीज़ों का जो ढेर होता है उनको हम डम बोलते हैं ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड वेल्यू थिंग्स ऑफ द डेज अड ठीक है ना तो अब इन सारी चीज़ों को लेके ना वैल्यू बहुत ज़्यादा वंडर करता है क्योंकि एज आई टोल्ड ये सारी चीज़ें बहुत नई है उसके लिए ठीक है तो इतना कुछ हो रहा है वो अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचता है वो अपनी उसकी लाइफ कितनी ग्रेटफुल थी उस चीज़ के लिए सोचता है ठीक है और हम आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या है

पानी के झरने के पास छोटे झरने के पास जो ब्रिज है वहां तक ना पहुंच जाए जैसे वो लोग वहां पहुंच जाते हैं जया वेलू को बोलती है कि वी आर इज अ नेम ऑफ प्लेस ठीक है अब हम ट्रिप्लीकेन में सी दैट्स बकिंगम कैनल और वो बकिंगम कैनल की तरफ पॉइंट आउट करके वेलू को बोलती है देखो वो बकिंगम कैनल है ठीक है ना वेलू स्टेट दिस वॉज अ कैनल वेलू उस कैनल की तरफ घूरने लग गया स्ट्रेड मतलब स्ट्रेड मतलब घूरना

काफी पानी गंदे गंदे पानी पानी के गड्ढों के पास काफी अजीब अजीब सी झोपड़ियां थी जो वेलू ने फर्स्ट टाइम देखी थी और वो झोपड़िया चीजों से मतलब हर तरह की चीजों से बनी हुई थी मेटल शीट से टायर से ब्रिक्स मतलब ईटों से लकड़ियों से प्लास्टिक से फिर वो एकदम क्रूगडली मतलब क्या होता है पदमाश इसका मतलब होता है और यहाँ पे इसका मतलब होगा कि अलग ही तरीके से बदमाश वाले तरीके से लोग खड़े हो गए और देखने लग गए कि क्या हो रहा है ये सब वेलू के लिए इट वॉज ऑल न्यू ठीक है इज दिस वे यू लिव वेलू वॉज एस्टॉलिश्ड वो बिल्कुल बहुचक्का हो गया था कि और वो उसको बोल रहा था क्या तुम यहां रहती हो दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज ये घर बहुत अजीब है सैड वेलू आई एम इन आर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मट एंड पाम लीव हमारे गाँव में जो घर है ना वो मिट्टी और पाम लीव से बनते हैं मड मतलब होती है मिट्टी ठीक है जया huts and dumped her sack outside. Then she picked up an empty one. जया अपने झोपड़ी के पास जाती है और उसकी जो बोरी भरी हुई होती है उसको वो वहां ढेर में फेंक देती है और नई बोरी उठा लेती है लेट्स गो शी टर्न टू वेलू एंड Velu को बोलती है है चलो मेरे साथ. के पास जाती और को बहुत तेज से पुश करती है. शो मतलब होता है ठीक है वेलू के पास जाती है उसको बोलती है मेरे साथ चलो और उसको पुश करती है एटलीस्ट हेल्प मी एटलीस्ट मेरी मदद करो हेयर वेयर दीज एंड कम विथ मी जो जया है वे लोगों को कुछ चीजें हैं हैंडओवर करती है और बोलती कि इनको पहनो और मेरे साथ चलो ठीक है She threw him a pair of old shoes without laces and pushed a sack and a stick into his hands. जो जया है वो वेलू की तरफ शूज़ फेंकती है वेलू उसको पुराने शूज देती है जिनकी शूज के ना लेसेस होती है और उसको एक बोरी सेक उसको थमा देती है ठीक है और उसको एक स्टिक भी दे देती है वेलू वॉज कंफ्यूज वर्क डिड शी वॉन्ट हिम टू डू वेलू कन्फ्यूज हो जाता है वो सोचता है कि ये मुझसे क्या करवाना चाहती है farm, weeding and taking cows out of grays. Grays मतलब गायों को चराना, ठीक है? तो uh, सिर्फ वेलू ने अपने लाइफ में बस एक ही काम करा है कि जिनके लैंड ओनर्स थे ठीक है वहां पे इसने खेतों में ही काम करा है पुरानी घास वगैरह हटाई और गायों को चराया इसके अलावा वेलू ने कोई काम नहीं करा है।

बुला ले ठीक है जया को हंसी आ गई ये सुन के और जया ने जोर से स्टिक लाइक like, होता है ना डम थम करी ठीक है ना स्टिक जोर से मारी ग्राउंड पे और वो हंसने लगी ठीक है ना फार्म्स देर आर नो फार्मर्स खेत यहाँ पे कोई खेत नहीं है हम बस कचरा उठाने वाले हैं यहाँ पे रैक पिकर्स अब वेलो को रैक पिकर्स का मतलब पता नहीं था सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड देखो मेरी बोरी जो उस चीज़ें मैंने कलेक्ट करी है उससे भरी हुई है कलेक्टेड फ्रॉम वेयर आक्स्ट वेलू वेलू पूछता है कलेक्टेड कहाँ से कलेक्ट करी है तुमने फ्रॉम रबिश बीन्स वेयर एल्स रबिश मतलब कचरा फालतू की चीजें जो कचरे का ढेर होता है वहां से जया ने फालतू की चीजें कचरे के ढेर से उसने चीजें कलेक्ट करी और अपने सेक में डाली है यू कलेक्ट रबिश वैल्यू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच थिंग्स तुम कचरा उठाती हो वैल्यू ने ये चीज कभी नहीं सुनी थी आई ब्लॉक हैड इट्स नॉट एनी रबिश ओनली पेपर प्लास्टिक ग्लास सच थिंग्स वी सेलेट टू जैम बाजार जगू फिर जो जया है वो बोलती है कि ब्लॉक हैड मतलब वो जो है को बोलती है पागल हो ये कोई भी रबिश है ये कचरा नहीं है मैं सिर्फ पेपर प्लास्टिक ग्लास और ऐसी चीजें उठाती हूँ और फिर इनको जैम बाजार जग्गू को बेचती हूँ वेलू वॉज पेलू बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था ही रबिश बट वाई वु एनी वन वॉन्ट टू बायिश उसने ये चीज तो सुनी है कि लोग कचरा फेंकते हैं लेकिन कोई कचरा खरीदना क्यों चाहेगा Who's Jam Jam Jaggu? Jaggu Why is he 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 buying all this? Hai jam bazaar ye sab wo kyun you think he buys it for sure? he it for show? sells to to a factory, come on! I don't have time to waste. लगता है ये दिखावे के लिए खरीदता है ये सारी चीजें फैक्ट्री को बेच देता है चलो मेरे पास फालतू टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए तुम्हारी तरह जया बोलती है वेलू को वेल डिड नॉट मूव ही हैडंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रो गार्बेज विथ हर स्टिक वेलू गांव से भाग के कचरा उठाने के लिए नहीं आया है वो ये चीज सोच रहा था कि मैं गांव से भाग के यहाँ पे कचरा उठाने के लिए ये सब चीजें करने के लिए नहीं आया हूँ ठीक है मैं यहाँ पे कचरे में से कचरा उठाने के लिए नहीं सॉरी नहीं आया हूं जया पोक फिर जया उसको स्टिक से पोक करती है छेड़ती है ठीक है लुक हेयर शी शाउटेड इफ समवन गेट्स बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग जया बोलती है वेलू को इधर देखो अगर कोई हमसे पहले पहुंच जाएगा वहां पे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा

ही वॉज सो पैनिको कन्फ्यूज सो नर्वस ये सारी चीजें जो हो रही थी क्योंकि उसको कोई आइडिया नहीं था वो चेन्नई भाग इतनी अपने गाँव से भाग के वो यहाँ इसलिए नहीं आया है कि उसको कचरा उठाना पड़े या किसी का झूठा खाना पड़े ठीक है बट ही हैज नो अदर ऑप्शन ही हैड नो अदर ऑप्शन आई विल डेट फॉर ना ही फाइंड अ बेटर जॉब उसने सोच कि, सोचा कि जब तक मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल जाती है मैं यही काम करूँगा ठीक है, जो थी थी? थी? ना अजीव अजीव सी. वो किससे बनी थी? किस किस से बनी हुई हुई किस मैंने बताया था ना आट इज नॉट सॉरी हाँ किससे बनी हुई थी प्लास्टिक से सारे क्वेश्चंस के आंसर ना ऊपर पैराग्राफ में ही है टायर से और मेटल uh, शीट से ब्रिक्स से बनी हुई थी वो झोपड़िया वाई डेलू फाइन स्ट्रेंज वेलू को वो सारी जो झोपड़ियां जो थी अजीब क्यों लगी क्योंकि वेलू के गांव में जो भी झोपड़ियाँ वो मिट्टी और पत्तों से बनती है क्योंकि झोपड़े इन्हीं से बनती है और लेकिन जो झोपड़ियां उसने वहां देखी थी वो बहुत अजीब अजीब चीजों से जो लाइक uh, like, बहुत अजीब चीज़ों से बनी हुई थी रिसाइकल करके चीज़ों को बनाया गई थी वो झोपड़ी वट सॉर्ट ऑफ थिंग्स डिट जया एंड चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्ट वॉट डिट दे टू विद दो थिंग्स कौन सी चीज़ें जया कलेक्ट करती है ठीक है और वो उन चीज़ों का क्या करती है क्या कलेक्ट करती है वो ऊपर मैंने अपन ने पढ़ा था प्लास्टिक्स वगैरह बॉटल्स वगैरह ये सारी चीज़ें पेपर प्लास्टिक बॉटल पूरा मटेरियल ये कलेक्ट करती है और इन चीज़ों को वो जैम बाज़ार जगहों में बेच देती है

Thank you so much.